हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। गाइज, आज हम करने वाले हैं गोल रोटी मेकिंग चैलेंज। आप देख सकते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे सामने रख लिए हमने। मतलब हमें तो पता नहीं था कि इसमें तेल भी डलता है, आज पहली बार पता चला मुझे। बस नमक और आटा और पानी पता था। तो ऑयल से हमारी अम्मी ने बताया कि जो रोटी जो है सॉफ्ट बनती है। तो आज हम दोनों फर्स्ट टाइम आटा गूंदेंगे और रोटी को बेलेंगे। पहले तो गोल रोटी बनाना वो चैलेंज रहेगा, और किसकी रोटी कैसी बनती है वो आज देखेंगे। हम दोनों पहली बार आज रोटी बनाने वाले हैं और सारी प्रोसेस हम ही करने वाले। तो देखते हैं हम दोनों में से किसकी रोटी अच्छी बनती है। और एक चीज ये भी देखने वाली होगी कि किसकी रोटी का शेप ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छी से गोल बनी है किसकी रोटी, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। तो शुरू करते हैं हम। इसमें कोई स्पीड वगैरह नहीं है, बस आप जिसको जितना टाइम लेना है ले सकता है, और बस आपको कैसे भी करके अच्छी से एक गोल रोटी बना के देना है। तो चलो अब रोटी बनाना शुरू करते हैं। 3 2 1 गो। अब पहली स्टेप भी भूल गए, अम्मी ने बोला नमक डालो, तो चलो नमक डाल लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हमको पता नहीं कितना डलता है, तो मैं थोड़ा कम ही रखूँगा नमक। अम्मी बताना मत इसको, कुछ भी बताने की नहीं रखी है। तेल भी डाल ही लेता हूँ फिर। लदे, ये लो। तेल भी डाल लिया है, अब पहले इसको मिक्स कर लेता हूँ मैं। तो वो बनाते ना मकान बनता है जब, तो माल बनाते ना उसी तरीके से करेंगे। हाँ, सीमेंट और रेती का मिक्सचर। मैंने बीच में सब कर लिया है ऐसा गड्ढा और पानी डाल दिया। और ये मैंने देखने में गाइस जितना आसान लगता है उतना होगा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ यार, पहली बार ही गूंद रहे हैं, पहली बार आटा गूंद रहे हैं। थोड़ा पानी में भी डाल। मेरे हाथों में तो सब चिपक गया है बिल्कुल। बताओ मत अम्मी। अम्मी इसको बता रही है, अम्मी चीटिंग कर रही है। मेरा इतना तो गुन गया, इतना बाकी है। उसमें भी तो पानी मिला हो भाई। मिस्टर रे मेरी नकल करते हुए। मैंने इसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा है गाइस। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही वो कर रहा है। हाँ तो ये मैं भी बोल सकता हूँ जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा तू कर रहा है। ये मैं जैसा चाह रहा था उस तरीके से अब हाँ यार होने लग गया है। बाकी यार ये आटा तो अभी भी बहुत सारा सूखा है। अबे हाथ दुखने लग गया ऐसे करने की आदत नहीं है। मसल्स पे जोर आ गया एकदम से। हाँ, मसल्स पे लोड आ गया। अम्मी ये गलत बात है। हाँ अम्मी हम दोनों को गाइड कर रही है। थोड़ा सा ऑयल डालने से ये निकल जाएगा हाथ का, है ना। मैं तो मेरे हिसाब से करूँगा, चीटिंग आपको करना है तो करो। आप था ना आटा, वो भी सही हो गया। थोड़ा पानी डालने से तुम्हें मेरे को देखम देख मिस्टर ने पानी डाल लिया है। मैं देखा ही नहीं है तुझे। उनका भी बिल्कुल चिपक गया था। आप खुद देखने वाले हो, मेरी एक बार भी इसकी तरफ नजर नहीं गई है। इसके तिरछी निगाहें, तिरछी नज़र से भी नहीं देखा मैंने। तिरछी निगाहों से देखा जा रहा है और आपको झूठ बोला जा रहा है। अम्मी देख रही है, देखा अम्मी ने देख। मेरी अम्मी मिस्टर रे का सपोर्ट करते हुए। अम्मी बोल रही है अम्मी के लिए दोनों बेटे बराबर है। कभी अम्मी जो हारता है अम्मी उसकी मदद करने आ जाती है, जिसका अम्मी को डाउट होता है कि सही नहीं है। अरे यार चिपक गया फिर से। इसको कितने मुक्के मारना पड़ेंगे यार। मेरे को लगता है आटा तो मैंने तेरे से अच्छा गूंदा है। अच्छा, अम्मी ने गाइड करा है तुझे? कुछ भी गाइड नहीं करा अम्मी ने। अम्मी ने तेल डालने का बोला, मैंने वो भी नहीं डाला है अभी तो। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है पानी और लगेगा अभी। यार ये चिपक रहा है यार, थाली में ऐसा चिपकना नहीं चाहिए ना, ये क्यों हो रहा है? ज़्यादा पानी डल गया गाइस। थोड़ा सा तेल टपका लेते हैं। पानी मेरा ज़्यादा डल गया है। वो इसकी मुक्के लगाना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगी।
थोड़े और मुक्के लगेंगे तो सही हो जाए। अरे इधर थोड़ा पानी है। वो पानी का क्या अचार डालोगे क्या? उसको भी आटे में लेके आपको अब हो जाएगा उसमें। ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मेरा तो हो गया यार। मेरा तो हो गया यार, मैं इसको बस कर देता हूँ फोल्ड करके। मेरा भी हो ही गया ऑलमोस्ट। कहाँ हो गया यार, तो पानी अभी तक गीला है। एक बार और कर लेता हूँ। ये ऐसे करती हैं औरतें, देख। मैंने देखा है। ये देखो गाइस मेरा आटा, मेरी अम्मी ने भी देखा और अम्मी भी कहती है कि बढ़िया। और मिस्टर रेखा हो चुका है मामला टाइट। मेरा भी हो गया है गाइस। हाँ हाँ, ये देखो, ये देखो इनकी, देखो आप ये थाली अभी भी देखे पूरी गीली है। और मेरी गीली है तो क्या हुआ, मेरी देखो पूरी, वो तो सूख जाएगी अभी हवा में, पर आटा तो हमारा हो गया है ना। चलो अम्मी, मेरा जो आटा है बिल्कुल देखे टाइट गूंदा है। और अब अम्मी, अम्मी चेक करके बताएंगे अम्मी को किसका आटा सही गूंदा। अम्मी को दिखाओ, अम्मी में बैठी हूँ करके दिखाओ अम्मी को। अम्मी ऐसे हाथ ला के देखिए तो पता चलेगा ना। लो आके देखो अम्मी, तेरी पता चल जाएगा किसका अच्छा किसका है दोनों में से। नरम आटे की रोटी अच्छी बनती है। तो मेरा ज़्यादा नरम है, दिखा तो। मेरा तो टाइट है यार। ये मेरा देख लो गाइस, मेरा पानी ज़्यादा डाल दिया, ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब मेरी रोटी अच्छी बनी। मैंने पानी कम यूज़ करा है यार, देखो मेरा पानी कितना कम यूज़ हुआ है। चलो ज़्यादा यूज़, तो आटा तो हमारा फिजाद ने दाल बाटी का आटा गूंद दिया। बाटी का ट्राई करेंगे, देखते हैं किसी का रोटी बनती है। अब मेरा, हम दोनों का आटा तो हो गया है। अब हम चकला बेलन लाते हैं और रोटी को, गोल रोटी बनाना है, बहुत बड़ा चैलेंज होगा, तो देखते हैं बनती है या नहीं बनती है। बिल्कुल, तो अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में आपसे। तो गाइस हमारा आटा गुन गया है, ये फैजान का आटा है और ये मेरा यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले जो है फैजान रोटी बनाएगा गोल और फिर मैं, देखते कौन बढ़िया सी रोटी बेल पाता है, कौन बना पाता है। तो चलो बनाओ, स्टार्ट करते हैं। इतना बड़ा ही काटते हैं ना, ये ले लिया है मैंने। चल तो बनाओ। ये तो इसको गोल गोल करना पड़ता है ना, तो कर ना, परेशान हो गए अब ढाई साल से। कर रहा हूँ ना। यार ये मैं गोल कर रहा हूँ, इसमें से सल क्यों आ रहे हैं? चलो ऐसे ही करते हैं ना। आई थिंक थोड़ा सा आटा इसमें डालते हैं अपन। ये मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको हाथ से गोल कर देता हूँ। हाथ से नहीं भाई, बेलन यूज़ करना कंपलसरी है। जितना हो सकता है उतना तो करूँ यार। चलो ट्राई करते हैं इसको गोल करने का, बड़ा और गोल। गाइस इसने है ना जानबूझ के छोटा वो तोड़ा है, ताकि छोटी रोटी बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। मेरे को पहली बात तो मालूम नहीं कि कितना बड़ा वो लेना चाहिए। लोया, लोहा क्या बोलते हैं? लोया, लोया है बोलते ना, गोला बोलते, क्या बोलते? गोली बेटा मस्ती नहीं। यार ये कहीं से मोटी है और कहीं से पतली है, ये एक जैसे साइज में नहीं हो पा रही। और आसपास की इसकी बॉर्डर जो है टूट रही है। ये मुझे ऐसे ऐसे करके इसको फैलाना पड़ रहा है। जल्दी कर भाई, कल पलवेल निकलना। ये हो गया यार, और कितना कर है? बन गई ना। देखो गाइज मेरी रोटी, गाइज देखो इसकी रोटी जो है कैसी बनी है, इसकी बॉर्डर देखो कैसी हो रखी है। अब देखते हैं बनाने के बाद कैसा टेस्ट आता देखो है। देखो ये बिल्कुल गोल है, बस थोड़ा सा बॉर्डर पे मिस्टेक आ रहा है इसके। तो अब मैं भी इसको तोड़ लेता हूँ। मैंने तो तोड़ लिया है, अब इसको इसमें ऐसा कर क्या। मिस्टर ने पहले से ही आटा लगाने लग गए, उसको गोल लोया भी नहीं बनाया।
उसका गोल इसके से गोल भी करना होता है, भूल गए मिस्टर उसका गोल क्या बोलते हैं यार, गोला, गोला भी नहीं बनाया मिस्टर नहीं गोला तो बड़ा वो है उस पे पहले 150 आटा लगा दिया और उसको गोल करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो गोल हो नहीं रहा है पूरी तरह से डब्बा गोल अम्मी दिलासा दे रही है रेहान को कि हो जाएगा लगे रहो। तो गाइस अब हो चुका है, अब ऐसा करना था जो मैंने पहले ही कर दिया था देखते हैं ये रोटी से बेटर गोला बनाया। अम्मी बोल रही मुझसे ज्यादा बेटर गोला बनाया इनने, मेरा गोला फैजान से बेहतर। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे याद तो था एटलीस्ट, ये तो भूल ही गए भैया गोला बनाना ही भूल गए। और ये अभी अम्मी की नकल करते हैं अम्मी की नकल क्या सभी ऐसा ही करते हैं सभी ऐसा नहीं करते यार, मैंने भी तो अलग किया ऐसा, चीटिंग है तो गलत बात है यार मेरी रोटी घूम रही है हाँ यार इसकी रोटी तो घूम रही है तो गाइस रोटी का बिल्कुल गोल बन रही है। मेरा आटा जो है सॉफ्ट था इस वजह से जो है मेरी रोटी के आसपास जो है बॉर्डर पे भी ऐसी दरारें नहीं आ रही है। हाँ ये तुक्का लग गया है इनसे क्या, तुक्का कहाँ से लगेगा भाई पूरी बनाई है मैंने मेहनत से, पूरा तुक्का लगा है गलती से, इनसे पानी ज्यादा डल गया आटे में। नहीं नहीं ऐसा और उसकी वजह से इनकी रोटी सही बन रही है। तो गाइस हो गया है, मेरा भी हो गया है, मेरी रोटी देख लो आप कैसा मैंने बनाई है। इनकी रोटी भी बनी तो सही है, इनका बस किनोर नहीं टूटा है। देख लो गाइस कैसी लग रही है, कैसी लग रही है, आटा ही है कैसा लगेगा तो हम दोनों तो का हो गया है रोटी, अब इसको सेकेंगे। और अम्मी का कहना है कि मेरी आटा ज़्यादा सॉफ्ट है और रोटी भी मेरी मुझे लगता है अच्छी बनेगी, क्योंकि मेरा आटा सॉफ्ट है तो आसपास से जो है बॉर्डर सही से सिकेगी, टूटी नहीं है। चलो देखते हैं अब सेकते हैं रोटी को और फिर आपको बताते हैं। तो गाइस ये मेरी रोटी है और ये जो है फैजान की गोल रोटी है और ये मेरी है और ये हमारा तवा गरम हो रहा है तो फिर अब हम इसको सेकेंगे। सबसे पहले फैजान की रोटी फैजान सेकेगा फिर मैं सेकूंगा मेरी रोटी। तो गाइस तवा अम्मी ने गरम करके लगा था, फैजान का हाथ जल गया उससे और ये देखो कोलगेट लगाया है इसने, अब ये रोटी बनाएगा। कपड़े से पहले तवे को साफ करो, अब ये रोटी डाल लो उसमें। बाहर गाइस फ्रूट वाला आया, उसकी आवाज को इग्नोर करना, फैजान को अब डर लगने लगा, फैजान की उंगली जल गई गरम गरम तवे से। सोच अम्मी के ऐसे रोज हाथ जलते होंगे और तू गरम गरम रोटी खाता है उनके हाथ की फैजान की एक रोटी बनाने में क्या हालत हो गई जल रहा है मेरे को यार, इसके साथ मेरे को ये भी करना पड़ रहा है, लगा लिया अब तवा हटा के गैस पे रख भाई, तवे को साइड में रख दे ऐसा करते हैं फूलेगी तभी वो, क्योंकि वो सब आटा गंदा हो, फूलना मुश्किल है। तेज करो थोड़ा, जल जाएगी यार तेज करूंगा तो, वो ही जलेगी, बदबू आ रही है मेरे को। चलो गंदी रोटी को खाने लायक तो गंदी फैजान की रोटी बड़ी ऐसी रोटी मैंने कभी पूरी अपनी लाइफ में नहीं देखी है। ये किनोरे को कच्ची रह गई इसकी, जो भी हो भाई अब यही है जो भी है, बस ये हो गया। चलो फैजान की रोटी बन गई है कुछ इस तरह की और इसमें फैजान की उंगलियों को अपना बलिदान देना पड़ा है और देख सकते हो साइड साइड से ये कच्ची रह गई है और इसकी बॉर्डर देख लो। अब देखते हैं मेरी रोटी कैसी बनती है। तो गाइस फैजान की बन गई है रोटी, अब मैं मेरी बना रहा हूँ। हो गया अब मेरी जो रोटी है ये रोटी है,
अब इसको डाला जाएगा तो थोड़ा साफ कर लो। देखना भाई साहब, आप मत कर लेना हाथ का काम। मेरी रोटी रखा गई है, मिस्टर की रोटी तो यार बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है यार, मेरी बिगड़ गई। मिस्टर रोटी बना के खिला सकते हैं अपने को? गाइस फिजान ज्यादा टाइम स्पेंड करता है किचन में, पर रोटी मेरी अच्छी बन रही है ऐसा लग रहा है। ये तुक्का लग गया है, एक काम करेंगे। तुक्का नहीं है, तुक्के से कुछ नहीं होता। मिस्टर से फिर से रोटी बनवाएंगे नेक्स्ट टाइम, तो फिर देखते हैं उस टाइम परफेक्ट बनती कि नहीं बनती। डबल डबल चैलेंज में लोग बोर हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम में जो जीता वही सिकंदर। बड़े अजीब लग रहे हैं मिस्टर का रोटियां से। चलो हो गया है एक तरफ से तो। यार इनकी रोटी तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है और फुल भी रही है गाइस। ये भी गैस पे डायरेक्ट सेकेंगे। फोड़ दिए मिस्टर ने, फूट गई है तो फूलने वाली तो वो है नहीं। सीधी जल जाएगी। चलो गाइस मेरी रोटी भी हो गई है। यार मिस्टर रे जीत गए यार ये चैलेंज। तो गाइस ये है मेरी रोटी, इसका आप देख सकते हो कोने कोने तक सिके हुए हैं, और ये फैजान की रोटी है, इसको आप देख सकते हो बीच बीच में से भी कहीं से कच्ची और यहाँ से भी देख लो। तो देखने में तो मुझे लगता है मैं ही जीता हूँ। पीछे से मेरी रोटी कुछ ऐसी दिख रही है, फैजान की पीछे से ऐसी दिख रही है, कैसे पकी है कैसे नहीं पकी है। तो गाइस टेस्ट कर लेते हैं अब रोटी। मेरी रोटी बनी तो अच्छी है, बस थोड़ी सी तो यार इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, अजीब लग रही है। थोड़ा मैं और बेलता तो थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, और फैजान की तो अजीब ही बनी है। अब टेस्ट कर लेते हैं। पर मेरी थोड़ी पतली है मिस्टर रेस। अब टेस्ट कर लेते हैं नमक वगैरह किसका बराबर है। सबसे पहले मैं मेरी रोटी खाऊंगा। बिस्मिल्लाह। मेरी रोटी कैसी लग रही है? कि कैसी, कहीं से पकी कहीं से नहीं, कच्ची है। मेरी रोटी मुझे तो अच्छी लग रही है, और मेरी दादी ऐसी तरह की मोटी मोटी रोटियां बनाती थी, और मेरे पापा को भी ऐसी रोटी पसंद थी मोटी मोटी। और नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसमें। यार मैं नमक कम ही खाता हूँ तो मुझे सही लग रहा है। हाँ मतलब ये नमक कम ही खाता है तो मेरी रोटी इसके लिए भी बहुत अच्छी है। टेस्ट करो आप। फैजान का टेस्ट करता हूँ। मेरी तो खा लो पहले, मैं मिस्टर जी की चेक करता हूँ। ये फैजान की ये रोटी, मतलब कभी कुछ ऐसा टाइम आ जाए जब घर पे कोई नहीं हो तो मजबूरी में खाई जा सकती है, और ये इसको थोड़ा खाना मुश्किल है। और मजबूरी में तो इसे भी खाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगी इसे खाने में। पेट में गड़बड़ कर सकती है, ख़राब कर सकती है आपका पेट। है ना। अब अम्मी को भी टेस्ट करा के पूछ लेते हैं। तो अम्मी भी गाइस टेस्ट कर रही है। और अम्मी को भी मेरी रोटी ही अच्छी लगी है। और आप लोगों में देखने से ही पता लग गया होगा किसकी रोटी अच्छी है। दिखने में तो ये लोग मुझे बहुत हल्के में ले रहे थे, इनको यकीन नहीं हो रहा। अम्मी बार बार मुझे बता रही थी ऐसा करना, अम्मी को मैं मना कर रहा था कि मत बताओ नहीं तो फिर चैलेंज में मज़ा क्या आएगा, सब हमको पहले से ही पता होगा। मुझे लग रहा है मिस्टर रहने ना यूट्यूब पे वीडियो देख लिया ऐसा कुछ नहीं का, ऐसा कुछ नहीं ये चैलेंज करा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं किचन में बिल्कुल भी नहीं झाँकते हैं ये। हालांकि रोटी तो मैंने भी कभी नहीं बनी है, रोटी मैंने भी कभी नहीं बनाई, लेकिन अम्मी को ही देखा था हमने रोटी बनाते हुए, और भी कई लोगों को देखा है वैसे हमने रोटी बनाते हुए। बता रहा हूँ हिसाब से मैंने बनाई है। तुक्का लगाया मिस्टर से, पानी गलती से ज़्यादा डल गया, और इनका आटा थोड़ा सॉफ्ट ज़्यादा हो गया, और मेरा आटा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था इस वजह से वो। नहीं तो ऐसे भी हुआ है, जीता मैं हूँ, जीत जीत होती है, हार मेरी। मेरी रोटी का जो साइज ज़्यादा परफेक्ट था, बस उसकी किनोर टूट गई थी। शेप भी मेरी रोटी का ही अच्छा था, आप वीडियो में देख लो भले रिवर्स करके। चलो गाइस तो यही था आज का हमारा चैलेंज, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। व्लॉग से कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करी। तो अम्मी को भी मेरी रोटी बहुत टेस्टी लग रही है। तो आपको कैसा लगा ये चैलेंज कमेंट करके बताओ। अच्छे लगे तो करो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।